अगर आप एक स्टूडेंट हो और ग्रो ब्रोकिंग ऐप में फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करना चाहते हो तो कैसे एक्टिवेट करोगे, क्या है इसका प्रोसेस, इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से अगर आप स्टूडेंट हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गुरु एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर अपने मोबाइल में गुरु एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पिन मांग रहा है तो पिन डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। गुरु ऐप में लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले होम स्क्रीन पे आ जाओ गुरु ऐप के। तो आपको ऊपर में एक्सप्लोर और नीचे में स्टॉक वाले ऑप्शन सेलेक्ट लेनी है जिससे आपको एफ ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन दिखे। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल के नीचे आने के बाद एफ एन ओ का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर एफ एन ओ वाला ऑप्शन क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको पांच प्रकार के इनकम प्रूफ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप करेंट, और उसके बाद आईटीआर एक्नॉलेजमेंट, और उसके बाद फॉर्म 16B, और उसके बाद डीपी ट्रांजैक्शन कॉम होल्डिंग रिपोर्ट। ये पांच प्रकार के इनकम प्रूफ हैं। तो इन पांच प्रकार के इनकम प्रूफ में से आपको एक इनकम प्रूफ अपलोड करनी होती है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास इस प्रकार के इनकम प्रूफ नहीं होंगे, तो आपके पास एकमात्र प्रूफ होगा वो है बैंक स्टेटमेंट। तो आपको क्या करनी है, आपको अपना बैंक में जानी है और आपको बोलनी है बैंक में कि मेरा बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ का। तो आपको वहाँ से दे देगा। तो उसको आपको फ़ोटो लेनी है बैंक स्टेटमेंट का 6 मंथ का। फ़ोटो लेने के बाद उसका पीडीएफ बनानी है। तो कैसे पीडीएफ बनानी है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली गूगल को ओपन कर लेनी है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करनी है बल्क पीडीएफ कन्वर्टर। जैसे आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर में आपको एक वेबसाइट देखने मिल जाएगा। तो आपको इसको ओपन करनी है। और अगर आप अपना बैंक स्टेटमेंट का पीडीएफ किसी एप्लीकेशन या किसी और वेबसाइट के द्वारा बनाना चाहते हो तो वहाँ से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको जैसे ये बल्क कन्वर्सेशन पीडीएफ का ऑप्शन ओपन दिख जाएगा आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपलोड ऑप्शन क्लिक करनी है और जो भी अपना बैंक स्टेटमेंट का आप फोटो लिए हो 6 मंथ का आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं एग्जाम्पल तौर पर यहाँ सेलेक्ट कर दिखाता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट वाला उसमें क्लिक करनी है। तो ये जो है पीडीएफ सारे अपलोड होने लगेंगे। तो ये यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे मेरे अपलोड हो रहे हैं। तो अगर आपका बैंक स्टेटमेंट का 2 या 3 फोटो या 4 फोटो आता है उसको आपको यहाँ पे मार्च कर लेनी है। तो मैंने चारों के यहाँ फोटो एग्जाम्पल तौर पर मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो 4 फोटो यहाँ पर मैं अपलोड कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्च वाला उसमें क्लिक करनी है। जैसे आप मार्ज वाला उस पर क्लिक करोगे तो ये जो है मार्ज होने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा मार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं डाउनलोड उस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है, आपको अपना गुरु एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और ये जैसे आपका गैलरी में डाउनलोड हो जाता है तो आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट वाला उसमें क्लिक करनी है और इसको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू अपलोड उसमें क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ और जेपीईजी अंडर 10 MB, तो आपको इसके सामने प्लस का चिन्ह दिख जाएगा। तो आपको इसको क्लिक करनी है और इसके बाद जो पीडीएफ आप बनाए हो उसी पीडीएफ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट वाला उसमें क्लिक करनी है। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट वाला उसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली दिखा दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गया। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो इस प्रकार का स्क्रीन आपको शो होने लगेगा और ऑन लॉग रिक्वेस्ट रिसीव यहाँ पे सोने लगेगा। और उसके बाद यहाँ बता दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपका एफओ यानी फ्यूचर ऑप्शन को एक्टिवेट किया गया या नहीं। और यहाँ पे एक्सप्लोर फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्लिक करके आप बैक में आ सकते हो। तो जैसे ही आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया जाता है तो आपको मेल के थ्रू बता दिया जाता है। और इसके अलावा जैसे आप यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन को एक्टिवेट करोगे ऑप्शन को तो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो ग्रो ब्रोकिंग ऐप में फ्यूचर एंड ऑप्शन को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो अगर अभी भी आपको मन में कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है किस प्रकार से फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करें, तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक लो टेक केयर। जय हिंद।